माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जिलाधिकारी आपके माध्यम से ये पत्र दिया जा रहा है और इसमें मुख्य मांग हमारी जो है, हमारा 5 माह का जो मानदेय जो है वो रुका हुआ है, वो दिवाली तक आ जाए हमारी मांग है। LIU को भी ये जानकारी है और हम मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट करें, सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हमें 18,000 रुपये जो है वेतन दिया जाए। मनमाने तरीके से कभी भी हमें स्कूल से हटा दिया जाता है और सारे काम हमसे लिए जाते हैं, मतलब हमारा काम खाना बनाना खिलाना, उसके अलावा टी पार्टी सारे काम मास्टरों के लिए, मास्टरनी के लिए स्पेशल खाना बनाना भी, चुनाव में भी। और मेघालय में 9,000 रुपये है और कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर रसोइयों को जो है मानदेय जो है अच्छा मिलता है, उत्तराखंड में भी बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि वो हमारी रसोइयों को नियमित करें, उन्हें 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करें, सरकारी कर्मचारी बनाए और ये जो बंधुआ मजदूर हमारी। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। सभी को नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भीमराव वाईफाई टीवी। इस समय की बड़ी और अहम खबर बिजनौर से आ रही है, जहां कलेक्टर कार्यालय पर सरकारी स्कूल में जो महिलाएं खाना बनाती है उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार उनका बहुत ही शोषण कर रही है। 2,000 रुपये प्रति महीना उन्हें सैलरी दे रही है, जो कि उन्हें 1 साल के पूरे 12 महीने भी नहीं मिलती, सिर्फ 10 महीने का वेतन ही दिया जाता है, जबकि उनसे सबसे ज्यादा काम करवाया जाता है और उनसे बेकार का काम भी करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार रसोइयों के साथ बहुत ही अत्याचार कर रही है। उत्तर प्रदेश की यह सरकार महिलाओं का इतना शोषण कर रही है कि असहनीय है। इसी को लेकर बिजनौर में सरकारी स्कूल में जो महिलाएं खाना बना रही है उन्होंने एक आंदोलन किया और शांतिपूर्वक धरना दिया कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। जो हमें वेतन 2,000 रुपये प्रति महीने दिया जा रहा है वो बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीना किया जाए और उन्हें परमानेंट किया जाए और रसोइयों की मांग है कि उन्हें साल के 12 के 12 महीने वेतन दिया जाए और उनसे बेकार का काम न कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में देखा गया है कि उनके साथ स्कूलों के टीचर भी उनका शोषण कर रहे हैं और उनसे बेकार का काम करवा रहे हैं, जैसे स्कूल में घास काटना, स्कूल में कपड़े धोना और उनकी ड्यूटी चुनाव में भी लगाई जाती है, जो कि उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार इस हद तक रसोइयों का शोषण करने लगी है कि जो आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चे हैं उनका खाना भी रसोइयों से बनवाया जा रहा है और उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा और 5-5, 6-6 महीने का उनका वेतन रोक दिया जाता, जो कि समय पर नहीं दिया जाता। रसोइयों महिलाओं की मांग है कि जो उनके 4 माह से वेतन रुका हुआ है वो प्रति महीने 5,000 रुपये उनके अकाउंट में दीपावली से पहले डलवा दिया जाए और जो आने वाले महीनों का वेतन है वह बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया जाए, जो कि होना भी चाहिए। हर राज्य में सरकारी स्कूल में जो महिला खाना बनाती है उनका वेतन उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्कूलों में महिलाएं खाना बनाती है उनसे काफी हद तक ज्यादा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर नजर आता है। और हमारी अपने चैनल की तरफ से मांग है कि रसोइयों महिलाओं का वेतन बढ़ाना चाहिए और उनका महीने का वेतन 18,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को कर देना चाहिए। आप जिले का यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं बॉक्स में जरूर और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को अपनी बात ये पहुंचाना चाहती है कि स्कूलों में इन्हें बंधुआ मजदूर के तरह इनसे काम लिया जा रहा है, बेकार कराई जा रही है और 5 महीने का जो मानदेय है वो रसोइयों का अभी तक नहीं आया, जबकि दिवाली और भैया त्योहार जैसे त्योहार हमारे सर पे खड़े हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि रसोइयों का 5 माह का जो मानदेय है वो तुरंत भिजवाया जाए। दूसरी बात, सुबह से शाम तक जितनी मेहनत ये रसोइयां करती है, हमारे मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग है कि सभी रसोइयों को नियमित करके सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित करें और न्यूनतम वेतन जो 18,000 रुपये है वो जो है सरकार जो है लागू करे इन रसोइयों के लिए। ये जरूरी है, अन्यथा हमारी मजबूरी होगी कि हम पूरे प्रदेश की रसोइयों को खड़ा करके और मुख्यमंत्री जी के लिए फिर हमें लखनऊ जाना पड़ेगा, तो हमें लखनऊ ना जाना पड़े, हमें 18,000 रुपये वेतन दिया जाए और हमारा जो मानदेय जो रुका हुआ है 5 महीने का वो तुरंत दिवाली से पहले जो है मुख्यमंत्री भिजवाए और जो रसोइयों से बेकार कराई जा रही है, मनमाने तरीके से रसोइयों को विद्यालय से हटा दिया जाता है,
दूसरा कुछ प्रधान ऐसे हैं जो रसोइयों से अपने घर का काम भी कराते हैं, कूड़ा करकट का काम, अनाज साफ कराने का काम, ये बेकारी जो है ये रसोइयों से कराना बंद किया जाए। ये बताइए चुनाव में भी जो है इनकी रसोइयों की ड्यूटी लगाई जाती है, चुनाव में भी। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि रसोइयों से जो है आगे खाना रसोइयां हमारी बना रही है, वो सुबह 7 बजे से जो है विद्यालय पहुंचती है और शाम तक शाम हो जाती है उन्हें, तो रसोइयों के से जो आंगनबाड़ी के बच्चों का खाना बनवाया जा रहा है उसका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, वो प्रधान के खाते में आ रहा है, तो वो जो है पैसा रसोइयों को दिलाया जाए। हमारी रसोइयां गरीब हैं, उनके राशन कार्ड बने, उनके आवास बने, उनके आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, और ये रसोइयों पे जो चुनाव में जो खाना बनवाया जाता है उसका पैसा आता है या नहीं। हमारा मकसद जो है आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी संख्या में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देंगे। हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो है 2000 रुपए मानदेय दिया जाता है, जबकि पांडिचेरी में 19,000 रुपए है, केरल में 10,000, मेघालय में 9,000 रुपए है, और कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर रसोइयों को जो है मानदेय जो है अच्छा मिलता है। उत्तराखंड में भी बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि वो हमारी रसोइयों को नियमित करें, उन्हें 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करें, सरकारी कर्मचारी बनाए, और ये जो बंधवा मजदूर हमारी बंधवा मजदूर से मुक्त कराकर अपना सरकारी कर्मचारी घोषित करें। इनकलाब जिंदाबाद। बस काम चलाओ सारे वहाँ, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जिलाधिकारी आपके माध्यम से ये पत्र दिया जा रहा है, और इसमें मुख्य मांग हमारी जो है हमारा 5 माह का जो मानदेय जो है वो रुका हुआ, वो दिवाली तक आ जाए हमारी मांग है। LIO को भी ये जानकारी है, और हम मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट करें, सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और हमें 18,000 रुपए जो है वेतन दिया जाए। मनमाने तरीके से कभी भी हमें स्कूल से हटा दिया जाता है, और सारे काम हमसे लिए जाते हैं, मतलब हमारा काम खाना बनाना खिलाना, उसके अलावा टी पार्टी सारे काम, मास्टरों के लिए मास्टरनी के लिए स्पेशल खाना बनाना भी, सफाई चुनाव में भी, और आंगनबाड़ी के जो बच्चों का खाना बन गया वो उसके लिए पैसे नहीं मिलते, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी देर दिवाली से पहले वो हम लोग यहाँ से शासन को प्रेषित कर देंगे, और जो उम्मीद है कि दिवाली से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, जितने भी हमारे सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं चाहे रेगुलर हो या संविदा, दिवाली से पहले उनको वेतन देने की घोषणा भी हुई, तो मैं कल ही इसको चेक करा के इंश्योर करूंगा कि आप लोग सभी लोगों को दिवाली से पहले मानदेय मिलेगा।